Welcome to you all, especially to IGNU students, what give about exam 2022. I am going to tell you important questions. This is first question 1. I am starting. You know this question. It's benefit you for exam. This is new channel. Don't forget to subscribe, share and like, comment. स्वरों के वर्गीकरण क्वेश्चन नंबर 2 स्वरों के वर्गीकरण के विभिन्न आदरों का उल्लेख कीजिए उत्तर है हिंदी में स्वर ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 आधारों पर किया गया है जिह्वा की ऊंचाई जिह्वा की स्थिति होठों की आकृति 1 जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों को 4 वर्गों में विभक्त किया गया है संवृत अर्धसंवृत अर्धविवृत और विवृत क संवृद्धि स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का जितना अधिक भाग ऊपर उठता है उससे वायु उतना ही संकुचित होकर बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है इसे उच्चरित होने वाली स्वर संवृत कहलाते हैं ई ई उ उ संवृत स्वर है अर्धसंवृत जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का भाग कम ऊपर उठता है और वायु मुख विवर में कम संकुचित होती है उसे उच्चरित स्वर अर्धसंवृत कहलाते हैं ए और ओ अर्धसंवृत स्वर है अर्धविवृत जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अर्धसंवृत से कम ऊपर उठती है और मुख विवर में वायु मार्ग खुला रहता है इसे उच्चरित स्वर अर्धविवृत स्वर कहे जाते हैं अ ए और औ अधिविवृत स्वर है विवृत जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा के मध्य में स्थित होती है और मुंह विवर का पूरा खुला रहता है ऐसे उच्चरित स्वर के विवृत कहते हैं आप विवृत स्वर है जिह्वा की स्थिति 2 नंबर में जिह्वा की स्थिति किसी स्वर के उच्चारण में जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 भेद किए जाते हैं क ख ग क अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय होता है ऐसे उच्चरित स्वरों को अग्रस्वर कहते हैं हिंदी में ई ई ए ए अग्रस्वर है ख मध्य स्वर जिन शब्दों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय होता है ऐसे उच्चरित स्वरों को मध्य स्वर कहते हैं हिंदी में अ मध्य स्वर है पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय होता है ऐसे उच्चरित स्वरों को पश्चस्वर कहते हैं हिंदी में उ उ ओ औ एम एवं आ पश्चस्वर है 3 होठों की आकृति किसी स्वर के उच्चारण में होठों की आकृति के आधार पर स्वरों के 2 वर्गों में रख सकते हैं क गोलीय ख अगोलीय क गोलीय जिन स्वरों के उच्चारण में होठ की स्थिति कुछ गोलाकार होती है ऐसे उच्चरित स्वरों को गोलीय कहते हैं उ उ ओ औ आ गोलीय स्वर है अंग्रेजी से आए हुए ओ स्वर के लिए आ का उच्चारण होता है जैसे डॉक्टर नॉर्मल आदि ख अगोलीय जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ की स्थिति गोलाकार नहीं होती है ऐसे उच्चरित स्वर को अगोलीय कहते हैं अ आ ई ई ए औ ए अगोलीय स्वर है Don't forget to read this question, IGNU students. I will make next video in next part. I hope we will meet again next video. Thank you.